नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं काशिफ अली। सांप बिच्छू को देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहां बिच्छू भी बाबा के इशारे पर चलते हैं, वो बिच्छू जिसके काटते ही मौत निश्चित होती है, लेकिन यहां बिच्छू नहीं काटते हैं। यहां के बिच्छू इंसानों से प्यार करते हैं, यहां बिच्छू सजदा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मज़ार की जहां बिच्छू किसी को नहीं काटते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नाम के एक ज़िले में एक ऐसी मज़ार है जहाँ बिच्छू नहीं काटते हैं। ऐसी मज़ार जहाँ बिच्छू इंसानों के दोस्त हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा ज़िले में शाह विलायत दरगाह की। 800 साल पुरानी इस दरगाह की एक धारणा है कि हाँ, बिच्छू किसी को नहीं काटते हैं। कहते हैं कि बिच्छू का काटा पानी मांगे बिना मर जाता है, पर यहाँ के बिच्छू को आप हथेली पर लेकर घूम सकते हैं, बिच्छू को घर भी ले जा सकते हैं। अमरोहा की हज़रत शाह विलायत की दरगाह में हर कोने में बिच्छू छुपे हैं। किसी दीवार, किसी पेड़ या किसी कोने की मिट्टी ज़रा से हटाते ही सैकड़ों की तादाद में बिच्छू निकल आते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ना तो ये किसी को काटते हैं, ना परेशान करते हैं। आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं, यहाँ तक कि साथ घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसको एक तय वक्त के मुताबिक वापस लाना होता है, वरना ये अपने असली रूप में आ जाते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। आइए देखते हैं इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्या है सच। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। आठ सौ साल पुरानी दरगाह की क्या है हकीकत, इस दरगाह में बिच्छू कैसे आए और कहां से इसकी कहानी करीब 800 साल पुरानी बताई जाती है। कहते हैं कि उस दौर में ईरान से सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत भारत में अमरोहा आए थे और उन्होंने अमरोहा की जमीन को अपना घर बना लिया और वहीं अपना मुकाम बनाने का फैसला कर लिया, जिस पर वहां पहले से मौजूद बाबा शाह नसरुद्दीन ने नाराजगी जाहिर की। वे नहीं चाहते थे कि हजरत शाह विलायत वहां मुकाम करें। दोनों के बीच मोहब्बत बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने एक कटोरे में पानी के ऊपर फूल डालकर भेजे थे। एक दूसरे को पीछे हटने के लिए मजबूर करने का यह सिलसिला ही बिच्छुओं के आने का जरिया बना। शाह नसरुद्दीन ने अपनी तौहीन समझते हुए उनको एक श्राप दिया कि तुम जहां रहते हो वहां सिर्फ कीड़े मकौड़े निकलेंगे। इस पर शाह विलायत ने यह चमत्कार किया कि उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उस इलाके में रहने वाले सांप बिच्छू किसी को भी नहीं काटेंगे। उन दोनों की बातें हकीकत में बदल गईं और आज तक वहां यह सिलसिला जारी है। वहां आज तक कीड़े मकौड़े किसी को नहीं काटते। तभी से हजरत शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हो गए। तकरीबन 800 साल गुजरने के बाद भी आज तक दरगाह पर बिच्छुओं की तादाद कभी घटी नहीं। उनकी दरगाह पर अकीदतमंदों का मेला लगा रहता है। यहाँ आने वाले लोगों को बिच्छू काटते नहीं हैं। लोग बड़े आराम से बिच्छुओं को अपने हाथ पर उठाते हैं और अपनी हथेली पर रख लेते हैं। शाह विलायत की मज़ार पर हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। इस दौरान देश विदेश से खासकर खाड़ी देशों के लोग यहाँ आते हैं। 1915 में एक जर्मन पत्रकार मुलशॉप ने भी अमरोहा आकर इस करामात को देखा और परखा था और देखा कि सच में यहाँ के कीड़े मकौड़े किसी को नहीं काटते हैं। जब हम इसकी सच्चाई तलाश करने अमरोहा मज़ार के पास गए तो सच में ये देखकर हम दंग रह गए कि एक मासूम बच्चा उसको अपने हाथ में लिए हुए था और बिच्छू उसको काट नहीं रहा था, बल्कि बहुत प्यार से उसकी हथेली पर रेंग रहा था। यहाँ आने वाले लोगों के चेहरे ये बताते हैं कि उम्मीद कितनी बड़ी होती है। लोगों को ये उम्मीद है कि बिच्छू नहीं काटेगा, तो वो काटता भी नहीं है। बाहर का मंजर देखकर और दुकानों पर लटकी हरे रंग की चादरें ये बताती हैं कि उम्मीद, क्योंकि वो उम्मीद महज एक उम्मीद नहीं बल्कि आस्था के सैलाब में डूबी हुई है। ये आस्था ही तो है जो इस मज़ार पर लोग आते हैं और बिच्छू को हाथ में ले लेते हैं। अमरोहा वैसे तो आमों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन बिच्छू वाली मज़ार की वजह से अमरोहा को लोग जानते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये ज़मीन पीर बाबाओं की है। आसपास के ज़िले बहुत ही करिश्माई चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आखिर क्या वजह है कि बिच्छू यहाँ पर नहीं काटते? क्या कोई आसमानी शक्ति है जो ये सब करती है? क्या है हकीकत, क्या है इसका राज?
क्या कभी आपने हाथों में बिच्छू को रखने की कल्पना की है? नहीं ना। माना जाता है कि बिच्छू के काटते ही कुछ घंटों में मौत होना तय है, लेकिन इस सवाल यह है कि यहाँ के बिच्छू के डंक काम क्यों नहीं करते हैं? क्या हो जाता है बिच्छुओं को? क्या कोई ऐसी बात जो दुनिया से छुपाई जाती है? क्या कोई सच में आसमानी शक्ति है जो इन बिच्छुओं को अपने वश में कर लेती है? जब हमने जानकार लोगों से ये बात पूछने की कोशिश करी कि बाबा की मज़ार में क्या सच में आसमानी शक्तियाँ हैं, क्या वाकई में बिच्छुओं के डंक काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की राय इसमें अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बहुत बड़े थे, ये कहानी बनाई हुई है, कटोरे के फूल वाली कहानी एक बनी हुई कहानी है, आज शाह विलायत बाबा आज पर्दे में हैं, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा राज ले गए हैं जिसकी सही हकीकत किसी के पास नहीं है। इस मजार का इतिहास काफी पुराना है, ये अमरोहा की जमीन है। कहते हैं इसके हर चौराहे पर पीर बाबाओं का साया है, यहाँ के आम बहुत मशहूर हैं। लेकिन इस मजार का रहस्य काफी गहराया हुआ है, क्योंकि इसकी हकीकत अब एक राज बन चुकी है। एक खामोशी में इसकी हकीकत चुप सी हो गई है। इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह की करिश्माई चीजें अपने आप में दंग कर देने वाली है, क्योंकि इस मजार पर हर जुमेरात यानी बृहस्पतिवार को यहाँ आने वालों का हुजूम उमड़ता है। और अब इतनी बीचों वाली मजार को लेकर कोई तो राज है जिसकी वजह से आज ये दरगाह अपनी अलग पहचान बना चुकी है, और लोगों के लिए इसकी श्रद्धा यहाँ की भीड़ से देखकर पता चलती है। यहाँ आकर अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। कमाल अमरोही की ये जमीन है जिनके गीत आज भी लोगों की जबान पर है, लेकिन इस दरगाह की अपनी अलग एक पहचान है। अमरोहा की बिच्छू वाली मज़ार में बिच्छू के डंक क्यों काम नहीं करते, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हकीकत हर एक चीज़ की होती है, लेकिन इस हकीकत का राज किसी के पास नहीं है। अब इसका राज क्या है, क्या है इसके पीछे का सच, ये तो शाह विलायत बाबा ही बता सकते हैं। अब राज कुछ भी हो, लेकिन श्रद्धा तो सच्चे मन से होती है, और मन पर इंसान की खुद की हुकूमत होती है। इंसान जब कोई काम अपने मन से करता है तो उसकी हकीकत में नहीं जाना चाहता। अब बिच्छू वाली मज़ार का सच चाहें कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि बिच्छू नहीं काटते हैं। तो दीजिए अपने दोस्त काशिफ को इजाज़त, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मन को पवित्र रखिए, क्योंकि साफ मन ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। और आपके बिच्छू वाली मज़ार को लेकर श्रद्धा और भावना की हम इज्जत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.